बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बहुत विहंगम दृश्य है। मध्य प्रदेश के अयोध्या ओरछा धाम में आज भारत वर्ष के कोने कोने से हजारों हजार श्रद्धालु आए हैं। मैं बहुत वर्षों से आता हूं और उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलता है। पूरा ओरछा दुल्हन की तरह सजा है और आज रामराजा सरकार। किसी राजा की शादी कितनी भव्य हो सकती है, खासकर तब जब वो राजा किसी एक राज्य का नहीं बल्कि तीनों लोगों का स्वामी हो। कुछ इस तरह की भव्यता देखने को मिली ओरछा के रामराजा सरकार के दरबार में। विवाह पंचमी के अवसर पर पिछले करीब 500 वर्षों से चली आ रही भगवान श्री राम और माँ सीता के विवाह की अद्भुत परंपरा को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। यहाँ के प्रसिद्ध रामराजा मंदिर से बकायदा भगवान राम की बारात राजसी ठाटवाट के साथ जनकपुरी के लिए निकाली गई। सिर्फ ओरछा ही नहीं बल्कि दूर प्रदेश और देशों से आए राजा राम के भक्त बाराती बनकर झूमते और गाते हुए इसका हिस्सा बने। बारात में जनकपुरी पहुंचने पर श्री राम सीता का पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद बारात वापस राम राजा के महल रूपी मंदिर के लिए वापस लौटी। ये सबको मालूम है आज विवाह पंचमी है, आज भगवान राम का विवाह हुआ था माँ जानकी से। तो ये कई वर्षों से सनातन परंपरा चली आ रही है कि विवाह पंचमी को भगवान की हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, और जैसा कि आम लोगों का विवाह होता है वैसे ही और उससे बढ़कर धूमधाम से भगवान का विवाह किया जाता है। बैंड बाजा हाथी घोड़ा रामलीला के बड़े बड़े किरदार बनकर के यहाँ आते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लाखों लोग यहाँ भोजन करते हैं। एक दिन पहले जो विवाह की पंगत होती है, जिसका अपन रिसेप्शन बोलते हैं, पंगत होती है। भगवान राम को यहाँ आज दूल्हा के रूप में बनाया और पूरे नगर में उनका तिलक होगा। उसके बाद माँ जानकी के मंदिर में भगवान का तिलक होगा और फिर सुबह कुंवर का लेवा। भगवान राम का जो जन्म है वो अयोध्या में जरूर हुआ था, इसका विवाह है, लेकिन भगवान का पूरे देश में मनाया जाता है। ओरछा एक बुंदेलखंड की अयोध्या मानी जाती है, यहाँ थोड़ा और बढ़ करके कार्यक्रम किया जाता है। ये तस्वीर सिर्फ एक परंपरा की तरह ही इशारा नहीं कर रही बल्कि ये प्रतीक है आस्था और विश्वास का। जहां पिछले 500 सालों से भक्त अपने भगवान का विवाह उत्सव को जीवंत स्वरूप में मानते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कृष्णकांत बिरथरे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।